मैं सभी को आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं देती हूं कि आप इसमें पार्टिसिपेट किए और आपने अपनी बातों को बहुत सुंदर ढंग से इस सदन में रखा। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करूंगी कि आप अपने मस्तिष्क को बढ़ाइए, अपने थिंक टैंक को बढ़ाइए। मैक्सिमम लोग को देख रही हूँ कि वो लोग मोबाइल पे बहुत विश्वास कर रही हैं। बोलिए, एक मिनट के अंदर बोलना है आपको। कदम सरकार की तरफ से उठाना जरूरी है आज के टाइम में। माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी जो होती है अर्धांगिनी बनकर व्यक्ति को संपूर्ण करती है। आज के दौर में स्त्रियां इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, नर्स, अध्यापिका हर क्षेत्र में सफल है। सकती है वो अपने बलबूते पे बढ़े, वैसा उसको काफी होमोजेनस कम्युनिटी लाइक कास्ट ग्रुप। इक्वलिटी, हम लोग यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी का बात कर रहे हैं, जिससे कि इसी के वजह से लाया गया है, जिससे कि 50% महिलाओं की भागीदारी हो। I would like to say that reservation not only provides women with access to political power, but also serves as a powerful tool for empowering them and inspiring future generations. रोशनी बेरा, सुष्मिता मरमुर। So therefore, the same arguments made for caste groups cannot be made for women. Thus, while gender quotas can be a tool for achieving representation, a very honourable minister, Jayalalitha, I hope everybody can relate when in the middle of the Sabha, her sari was torn by the Sabha members itself. Asta Jaiswal. मैं झारखंड की मुख्यमंत्री, मेरी कर्मभूमि सरायकेला के विधायक नेहा सिंह, आज आप सभी के सभागणों के सविनय अभिनंदन करते हैं। बहुत ही अनोखा मंच है जिसमें हम सारी महिलाओं को आगे आकर बोलने का अवसर मिला। Thank you.